और ये ऐसे मम्मी अब करके जा रही है और मम्मी ने ये डाल देखो लिया खोलना घड़ी। है तो ऐसे ही खोल के ठीक ऐसे ही जा रही हूँ बुल्लू। नानी जा रही है बुल्लू। मुझे क्या करना है दीदी? शिमला मिर्च काटो। शिमला शिलमा मतबल समझ रहे हो गुरुजी? तो कई बार पहले मैं सुनो मतबल का क्या मतलब होता है। मतबल समझ रहे हो गुरुजी? मतलब समझ रहे हो आप इसका? फिर मैंने अपने दिमाग पे जोर डाला और उपासना ने अपने घुटनों पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरनेन्द्र सैन व्लॉग्स। और आज है सैटरडे। उपासना गई है क्योंकि उनकी ओपीडी है तो वो क्लिनिक गई, क्योंकि वीकेंड पे ऐसा रहता है रश थोड़ा सा ज्यादा रहता है कंपैरेटिवली, क्योंकि जो लोग जैसे जॉब वगैरह करते हैं तो उनको सैटरडे संडे ऑफ मिलता है। अच्छा, मेरे को ना बहुत दिनों से उपासना गई थी कि वो मेरा एसी वाला काम करवा दो। वॉलपेपर वाला मैं करवा चुका हूँ, तो एसी वाला काम करवा दो, एसी वाला काम करवा दो। तो मैं 2-3 दिन से टाले जा रहा था, तो अभी मैं जा रहा हूँ फटाफट से इनका सारा एसी वाला काम करवाऊंगा। क्योंकि ये काम मुझे इसलिए भी करवाना है क्योंकि बार्गेनिंग मैं ही करता हूँ। हमारे में थोड़ा उल्टा है, जो भी बार्गेनिंग वगैरह होती है ना तो वो डिपार्टमेंट मेरा है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ, पहले मैं जाऊंगा हॉस्पिटल की तरफ, देख के आऊंगा सारा काम कैसे चल रहा है। फिर उसके बाद एसी वगैरह सारे लेने हैं, फिर उसके बाद देखूंगा और क्या क्या काम बचता है। फिर उसके बाद मैं घर आऊंगा और कल वाला जो व्लॉग है ना अभी वो एडिट करना बचा हुआ है, तो फिर उसको आके एडिट करूंगा। एंड ये सारे आ गए हैं हमारे वॉलपेपर और इधर चल रहा है सारा काम अभी। तो यार सारा सामान वगैरह लेके सारा काम वाम निपटा के जस्ट अभी आया हूँ विजय सेल्स पे। सारी चीजें फाइनल कर दी, इलेक्ट्रॉनिक्स से सारे आइटम हो गए। लेकिन मुझे वहां जाकर ना एक लैपटॉप पसंद आया और कल रात को ही मैं उपासना कह रहा था, मैंने कहा ये जो आप मेरा सिस्टम है ना, क्योंकि उपासना कह रही थी मुझे ना उन्हें एक हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा सिस्टम चाहिए, तो मैंने ये कहा, मैंने कहा आप ये वाला सिस्टम ले लो और ये काम करने के लिए मैं लैपटॉप ले लूंगा। तो क्लिनिक से आने के बाद इनकी चल रही है अपनी क्या बोलते हैं इसको, उस अरे वो जो वर्ड होता है जिसमें मतलब एक दूसरे की सेवा, हाँ सेवा चल रही है। डिनर विनर हमने कर लिया, अभी बज रहे हैं 8, मम्मी निकल रही हैं, तो अभी बस मम्मी को टाटा बाय बाय बोल देंगे। फिर अब विद्धि हमारे कब्जे में होगी, 5-6 दिन इसको तोड़ेंगे पकड़ के, मजाक नहीं कर रहा, खूब तोड़ेंगे तेरे को। मैं उठाऊंगी चूंचा, कुछ नहीं होगा। और बेटे मेहनत करके जो ये लंच बनाएगी ना, अगर इतना सा भी टुकड़ा वापस आ गया तो तोड़ेगी खूब। मम्मी तो फिर भी चल डांट के रुक जाती है तो तोड़ेगी, और मैं मारूंगा अलग। अब हम अपने हाथ साफ करेंगे। रिद्धि वे रिद्धि रिद्धि पापा कैसे मारते हैं, एक बार एक बार एक बार एक बार एक्टिंग करके दिखाना। अच्छा कैसे बोलते हैं, पढ़ाई नहीं? हाँ तू कैसे कैसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं पहले मैं बताती हूँ। अच्छा बोलते क्या है, बोलते क्या है ये तो बता पहले, इधर इधर ऊपर बैठ, बोलते क्या है, क्या कहते हैं? अच्छा अच्छा सुनो ना, चोट लगती है, सच बताना। बहुत ज्यादा, पूरी कमर टूट जाती है। हाँ, तो इसकी ना पंचकर्मा एक बार वो अनिता जी से एक बार मसाज करवानी पड़ेगी, ठीक है? तेरी उम्र होगी डेंट, क्या करवाना है? क्या हो गया? तेरे से जल्दी दांतों बुलबुल के आ रहे हैं। फिर मैंने इसको बता दिया, देखो जो टूथ फेरी थी वो याद है, तो मैं इसका दांत लेके गई थी और पैसे देके गई थी। तो इसने क्या बोला था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, रोज तो झूठ बोल दिया, दांत आएंगे कहां से, नहीं आएंगे बूढ़ी। दांत दिखाना, नहीं आए ना, देखो इतने टाइम से। दीदी जब बड़ी हो जाएगी ना तो इसके फिर भी ये दांत नहीं आएंगे, फिर तुम्हारी शादी पता है किससे करवाएंगे? वो जो एक लड़का था ना, रुक। अच्छा आप लोगों की क्या वो मीम याद है, और ये मम्मी अब जा रही है और मम्मी ने डाल लिया घड़ी, तो ऐसे ही खोल के ऐसे ही, तो नाना वाला नहीं है, नाना की नहीं आई पर मम्मी ने डाल लिया घड़ी। हाँ चलो टाटा बाय बाय मम्मी, चलो जी। मेरे लौटो, सबका बात मानना, डांट मत सुनना, हंसते रहना, डांटेंगे हाथ सेकेंगे पकड़ पकड़ के इसके लिए। गुड बाय, गुड गर्ल बाय। और बुलबुल से नहीं मिले, मैं कहाँ है बुलबुल, लेके आओ।
नानी बुलबुल जल्दी आओ, नानी जा रही है। नानी जा रही बुल्लू, बाय बुल्लू, जा रही हूँ बुल्लू। नानी जा रही है बुल्लू। हाँ क्या है बोलो, क्या है? जाऊ ना, आऊंगी फिर जल्दी। हाँ, अगर पूछ लो लिखवा लो उससे, अगली बार उसका भी रिजर्वेशन करवा लेना। मम्मा का माऊ पुच्चू है, मम्मा का माऊ पुच्चू है, पुच्चू यार। मम्मा गए, अभी मम्मी आएंगे 5-6 दिन में, ठीक है। अब इतने दोनों बच्चों का ध्यान रखना है, उपासना को, और तीनों का ध्यान रखना है मुझे। तो ना एक्चुअली जो किटन्स होती है, मतलब कैट होती है, नॉट स्पेसिफिकली किटन, तो उनको ना बहुत छुप के बैठना पसंद होता है। तो ये बुलबुल ना ये ना प्लेसेस ढूंढती है घर में, ठीक है, जहां पे छुप सके और कोई इसे देख ना पाए। तो ये ऐसे छुप के बैठ के और सबको देख रही होती है, ये ना सब कुछ नोटिस कर रही होती है, और ये ऐसे चुपचाप बैठी है। हाँ बेटा, दीदी दीदी वहां खड़ी है बेटा। मैं अपना आलू छिल रही हूं। तो कुछ क्या? रही हाँ, क्या कुछ नहीं कर रहे? आप कुछ नहीं कर रहे हो? तो रिद्धि आलू छील रही है सब्जी के लिए। तो रिद्धि ने यार धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। मैंने एक आलू पूरा कर दिया सफाट सट। हाय मेरा बच्चा, पूरे देख लो तो छिल के निकाल लिए। मुझे क्या करना है रिद्धि? शिमला मिर्च काटो। शिमला शिलमा शिलमा कुछ लोग होते हैं यार कि ना वो ना ऐसे ही वर्ड्स को उल्टा बोलते हैं, उनकी ना मतलब आदत हो जाती है। तो मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ सुधरे, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे एक नोन में है, तो वो ना आते हैं जब भी, तो पापा के पास बैठेंगे और कहेंगे मतबल, समझ रहे हो गुरु जी? तो कई बार पहले मैं सुनता हूँ मतबल का क्या मतलब होता है, मतबल समझ रहे हो गुरु जी, मतबल समझ रहे हो आप इसका? फिर मैंने अपने दिमाग पे जोर डाला और उपासना ने अपने घुटनों पे, बहुत तेज हो रहा है। फिर हमें ख्याल आया कि यार ये ख्याल आया कि ये मतलब क्या है। तो ये ना हमने यहाँ पे तेल रख रखा है, बन रही है सब्जी। अभी वैसे बज रहे रात के 9:15, एंड हमने वैसे डिनर वगैरह कर लिया, पापा गए मम्मी को छोड़ने, बट हम फिर भी सब्जी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सुबह पापा को कहीं बहुत अर्जेंट काम पे जाना है 7 बजे। रिद्धि का कल ऑफ ही नहीं है, और यार मेरे लिए रात को, क्योंकि हमें 2-3 बज जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सुबह 6 बजे। तो पापा को ब्रेकफास्ट में ये होता है, पापा कह रहे हैं मैं फ्रूट्स खा के चले जाऊंगा, मुझे होता है कि नहीं यार खाना खा के जाना है। तो मैं मिक्स वेज अभी बना के रख रही हूँ मॉर्निंग के लिए, फिर लंच वगैरह फिर मैं उसके अकॉर्डिंग बना दूंगी उठ के सारा। संडे है कल, बट पापा को कोई मीटिंग है पापा की, इसलिए पापा को जाना है। तो अभी क्या है कि हमारा ना सारे प्याज वगैरह में, मतलब ये वो मिक्स वेज है जिसकी मैं तारीफ करता हूँ, मतलब ये ना बहुत डिफरेंट है भाई, ये इतनी टेस्टी होती है ना, मतलब ये इतनी टेस्टी होती है, मतलब मैं शायद बोल रहा हूँ ना तो भी मुझे ये इंतजार हो रहा है कि कल सुबह कब होगी और मैं ये खाऊंगा। मम्मी को नहीं बनाने दिया। हाँ मम्मी बना रहे थे, मम्मी भी बहुत टेस्टी बनाते हैं, मतलब मम्मी मिक्स वेज वन ऑफ द जो उनकी टेस्टी सब्जी बनाते हैं वो उनकी मिक्स वेज होती है। लेकिन जो उपासना का बनाने का तरीका है ना वो बहुत डिफरेंट है, मतलब दोनों सेम चीज बनाते हैं बट डिफरेंट तरीके से, और टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी आप रहने दो, मेरे को उपासना वाली खानी, क्योंकि ये ना बहुत डिफरेंट होता है। ये ना पहले क्या करते हैं, इस तेल में डाल के सारा फ्राई करते हैं, जितना भी जैसे ये शिमला मिर्च मशरूम वगैरह कट गया, प्याज ठीक है, टमाटर सब कुछ फ्राई कर लिया, फिर उसके बाद मसाले का तड़का लगाते हैं। ये पता नहीं छुप के क्यों बैठी है, क्या हो गया, कुछ करा है क्या तूने कहीं पे कुछ है जो डर के बैठी है? मेरे को लग रहा है इसे कुछ करा है, इसने तोड़ा फोड़ा है इसने, इसीलिए चुपचाप बैठी है। तो जैसा मैं आप लोगों को बता था, ये सारी सब्जियां हमने डाल दी हैं उसमें, और इस तरफ होगा तड़का, थोड़ी सी बातें डाल देना इसमें आज। हेलो जी गुरप्रीत भाई, मैम आपके पैर कितने काले हो रहे हैं। मैंने कहा मैंने तो इतना कभी ध्यान ही नहीं दिया, काले हो रहे हैं सफेद, ये मेहनत के पैर जो ऐसे काले हो रहे हैं। हाँ, चेहरा भी नहीं हो रहा काला। तो पुच्चू हमारा यहाँ आ चुका है, यहाँ बैठ के देख रहा है क्या कर रहे हैं। ये देखो, ये इन्होंने ऐसे तड़का कर दिया पूरा, ठीक है, पूरी क्या क्या सोया सॉस, मैगी मसाला, ठीक है, और XYZ सॉसेस, और ये ऐसे इन्होंने इसमें रख दिया है देसी तरीके से भाई, इसमें मिर्च विर्च सारा इन्होंने पूरा बिल्कुल कर दिया है। और इतने जितने साथ साथ ये बना रही है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी होम रेमेडी परफॉर्म कर लूँ। मैं करता हूँ एक ग्लास के स्किन केयर चैलेंज वाली वीडियो। अच्छा, में इसमें ना मैं एक
कॉन्सेप्ट करना चाहती हूँ। बड़े सारे लोगों का आता है, एक लेडी ने कमेंट करा था, मैम आप ना नेगेटिविटी स्प्रेड करियो ग्लास क्लियर। पता क्या होता है, हम वीडियो पूरी सुनते नहीं है बट हम उस पर कमेंट करते हैं, ग्लास क्लियर मतलब जो आपकी स्किन का टेक्सचर है, जैसा कलर है, हम उसी पे वर्क उसमें बेटर होगा। मतलब जो आप में बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट होता है ना, वो आ सकता है। आज की ओपीडी में मैं बताऊं, कम से कम 15 लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि मैम आपकी ये रेमेडी अच्छी। इवन एक तो आई, वो आज मैंने परफॉर्म भी करनी, तो वो हमने पिगमेंटेशन के लिए बताई थी वो रेमेडी, उससे तुलसी के पत्तों में लेमन डाल के, और फेस पे कहती मैम मेरे सारे बाल रिमूव हो गए एक ही बार में। अभी यार करता हूँ ऐसी बात नहीं, अब जैसे मैं अभी करूंगा दही, उसमें लेमन और उसमें हनी मिक्स करके, मतलब आपके जितने भी चेहरे की टैन है ना बिल्कुल पूरी उतर जाएगी और बिल्कुल ग्लास स्किन आ जाएगी आपकी। तो ऐसे ये मैं कर रहा हूँ अप्लाई, देखो जो 10 मिनट की रेमेडी है ना मैंने आपको 30 सेकंड में बता दी, इसको जेंटली इसको मसाज करो, फिर 30 मिनट तक आप रहने दो, उसके बाद फेस वॉश से नहीं मतलब नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लो, पानी से मतलब मुंह धो लो, और फिर आप आराम से सुस्ताओ, सुबह उठ के आपको अपने आप चमकता हुआ चेहरा दिखेगा। एंड फाइनली हमारी सब्जी भी हो गई और ये आपको देखने में ही बहुत यम्मी टेस्टी से लग रही होगी। एंड अभी बज गए 9:37। बहुत सारे लोगों के ना मैसेज भी आ रहे हैं, क्या आते मैम एक कुकिंग चैनल स्टार्ट कर। वैसे ये सही है, जो चीज एटलीस्ट बनाती हूँ आप उसकी रेसिपी तो डाल सकते हो। या फिर कौन से चैनल पर डालूं, मेरे को समझ नहीं आता, उपासना की दुनिया पर डालूं वो डिफरेंट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, किस चैनल पर डालूं, अरुणेंद्र सैन ब्लॉग पे डाल नहीं सकता हूं, लोग कहेंगे इस पे ब्लॉग डालो, कहाँ डालूं बताओ, कौन सा नया चैनल बनाऊं, डू यू वांट। बस फिर इसी में बैठी रहूंगी मैं, अभी तो रात को आके वैसे ही वाट लगती है, फिर वो बिल्कुल ही हो जाएगा। तो सब्जी हो गई है हमारी डन। ओ माय गॉड, सुन तो लो क्या है, हा? ये ब्लैक बोर्ड, हाँ उस पे चैप्टर 1-2-3 है इसकी क्लास। ओ माय गॉड, और सबके आगे पेपर, सबके आगे पेपर ये सारे पढ़ रहे हैं। अच्छा ये मॉनिटर खड़ा है यहाँ पे। ओ भाई साहब, तुम ये हाइट ऑफ क्रिएटिविटी देख रहे हो तुम, हैं? ये सारे बन गए हैं। चलो आप लोग फोर भी लिखो, आपके फर्स्ट चैप्टर आएगा, सेकंड चैप्टर आएगा, थर्ड चैप्टर आएगा। इसे अपना सिलेबस याद नहीं है, ज्योमेट्री के ऊपर से तुम जुगाड़ देखो ना लड़की का, हमारी दिमाग देखो ना। और ये मॉनिटर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मॉनिटर को भी तो दो कुछ। अच्छा सॉरी मॉनिटर, आपको देना भूल गई। हाँ मॉनिटर भी तो पड़े हैं। ये नो आपका, you don't know what is this question, who is this paper, I have said you guys to write their name. ये है मैम, मैम ये है। बुलबुल यू आर बैड गर्ल, बुलबुल कह रही है यस मैम। एंड ये अभी हमने किया रेमेडी शूट, रेमेडी शूट करने के बाद हमारे ये देखो पुच्चू का, ठीक है पुच्चू बिल्कुल थाली के अंदर घुस के बैठ गए हैं और इनको कर्ड मुंह लग रहा है, जबकि ये कर्ड खा नहीं सकते हैं, ये लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। तो ये अभी वाटरमेलन की इन्होंने सफाई कर दी है। पता क्या हुआ, मैंने ना एक गार्लिक ब्रेड ऑर्डर किया अपने लिए, ठीक है पनीर वाला जो होता है डोमिनोज से। अब हुआ क्या कि वो ले आया, वो जो स्टफ्ड वाला होता है वो पनीर वाला लेके नहीं आया। मैंने कहा यार ये उपासना को पसंद है, मैंने कहा भाई तू एक काम कर, तू ये दे जा और तू फिर इसके बदले में दूसरा दे जियो, उसकी मैं पेमेंट कर दूंगा। भाई वो इतना चटक निकला, वो दोबारा आया ही नहीं, और फिर डोमिनोज का टाइम अप हो गया, फिर वो ऐप वगैरह बंद हो जाती है, 11 बजे के बाद ऑर्डर नहीं होता, काट गया भाई वो। तो ठीक है यार, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं कटवाने के साथ। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एक प्यारा सा कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ।